दोस्तों, हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग ये बात ना जानते हों कि इंडिया में भले ही एनिमल आज रिलीज़ हुई हो, लेकिन अमेरिका में एनिमल कल ही रिलीज़ हो गई थी। यानी 30 नवंबर को ही अमेरिका में इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया था। और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, दुनिया के और भी कई देश हैं जहाँ पर एनिमल को भारत से एक दिन पहले रिलीज़ कर दिया था। और बड़ी बात यह है कि रणबीर कपूर की एनिमल को इन देशों में, ख़ास तौर पर अमेरिका में, बड़ा शानदार रेस्पॉन्स मिल रहा है। और पहले ही शो में इस फिल्म ने, एनिमल ने, ज़बरदस्त कमाई कर ली है। मैंने NDTV पर एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें लिखा गया है कि अमेरिका में एनिमल के 1154 शोज हैं, जिसमें अब तक फिल्म ने 5,40,00,000 रुपये की कमाई कर ली है। यानी कि पहले ही शो में एनिमल ने अमेरिका में 1,000,000 से ज़्यादा की कमाई कर ली है। और इस तरह एनिमल ने सलमान खान की Tiger 3 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, Tiger 3 जब अमेरिका में रिलीज हुई थी तो इसने एक दिन में 1,70,00,000 रुपए की कमाई की थी, जबकि एनिमल की कमाई है 5,40,00,000 रुपये। टाइगर 3 तो पता नहीं कितनी पीछे छूट गई। वहीं इंडिया की बात करें तो हो सकता है शाम को जब एनिमल के फुल एंड फाइनल कलेक्शन हमारे सामने आ जाएंगे Day 1 के, तो ये फिल्म जवान का भी रिकॉर्ड तोड़ दे। लोग जो मैं देख रहा हूँ, पब्लिक ओपिनियन, लोगों के डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पर बेहतरीन लोग इसको बता रहे हैं, इस फिल्म को, रणबीर के काम को शानदार बता रहे हैं। और लॉर्ड बॉबी के रोल से तो हर कोई एकदम शॉक्ड है उनकी एक्टिंग देखकर। इतना शानदार बॉबी देओल ने इस फिल्म में काम किया है। यानी जो डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने कहा था कि वॉयलेंट फिल्म क्या होती है मैं दिखाऊंगा, वो उन्होंने अपना वादा काफ़ी हद तक पूरा कर दिया है।